हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता किचन एंड आर्ट में। आज मैं आप लोगों से बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। शायद थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं कौन सी खुशखबरी अब आप लोग से शेयर करने वाली। तो जी हाँ फ्रेंड, मेरा चैनल जो है मोनोटाइज हो गया है। फाइनली आज मुझे यूट्यूब का मेल आ गया है कि मेरा चैनल जो है मोनोटाइज हो गया है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और शायद जिनको मैंने नहीं बताया था उन्हें आज थोड़ा बुरा लगेगा कि इतना कुछ होने से पहले तक इसने हमें कुछ नहीं बताया, आज फाइनली ये बता रही है यहाँ आके। तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ फ्रेंड, जिसको भी मैंने नहीं बताया, जो भी मेरे खासम खास हैं जिसको भी मैंने नहीं बताया, मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ उन लोगों से। और प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अंडर रिव्यू में अटकी हुई थी और यही कारण था कि मैं आप लोगों से नहीं बता पाई। क्योंकि मैं सोची कुछ अच्छा हो जाए तभी मैं आप लोग को बताती हूँ, तभी खुशखबरी देती हूँ। और ऐसा है ना फ्रेंड कि मैं लटकी हूँ, आप लोग को भी लटकाना ये ठीक नहीं था। तो इसी कारण नहीं बताया मैंने। और फाइनली आज यूट्यूब का मुझे मेल आया मॉर्निंग, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए एक वीडियो ही बना दिया जाए क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तो इसके एक महीना पहले तक आपको बताते हूँ, मैंने पूरा उम्मीदें छोड़ दिया था क्योंकि अभी अगस्त में, अभी जो अगस्त आने वाला है उसमें मेरा जो चैनल का 1 ईयर कम्प्लीट हो। जी हाँ फ्रेंड, एक महीना पहले तक जो था मेरा चैनल का कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा जो WD था कुछ भी नहीं हुआ था। और आज अचानक मेरा WD कैसे पूरा हुआ, आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा। तो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरा जो WD कैसे पूरा हुआ और इतनी जल्दी कैसे पूरी हुई। तो एक महीना पहले तक मेरा जो WD था बहुत ही कम था और उसके बाद ही अचानक मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी फ्रेंड, आपको बताया। तो मैंने सडनली एक दिन अपना एक वीडियो मैंने चेक किया, उसमें क्या था शायद 100 के आसपास, नहीं 1K के आसपास मेरे व्यूज़ थे, 1K के आसपास मेरे व्यूज़ थे। बिना सेल्फ वाली किचन में आप सामान कैसे जमाएं, इसमें 1K के आसपास व्यू थे, मैंने देखी थी इतनी। और उसके बाद मैंने अचानक चेक किया, शायद उसको चेक किए थे मैंने जून में ही चेक किया, उसके बाद अचानक से चेक किया तो मेरे 10,000 व्यू हो चुके थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस 10,000 व्यू को पाके कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन मैं ये नहीं सोची थी कि मेरा आगे क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे 10,000 लोगों ने देखा, ये मेरी बहुत बड़ी मतलब कामयाबी है, मैंने यही सोचा। उसके बाद सडनली मेरे रोज़ के 2,000, 2,500, 3,000 इतने व्यूज़ बढ़ते गए और फाइनली आज के डेट तक मैं आपको बता रही हूँ 1,13,500 के आसपास उस मतलब वीडियोज़ पर व्यूज़ हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी खुश होंगी। और वही वीडियो जो है मुझे आज इस मुकाम तक लेके आया, मेरे WT को पूरा कराया फ्रेंड्स, और आज फाइनली मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तो मेरा जो चैनल है अंडर रिव्यू में गया था 9 जुलाई को मेरा जो चैनल अंडर रिव्यू में गया। उसके बाद फाइनली मैं वेट करने लगी कि आपको पता है अंडर रिव्यू में चैनल है तो हालत क्या हो सकती है, आप सब जान सकते हो एक यूट्यूबर की हालत क्या होगी। तो वही मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। मैं रोज़ मॉर्निंग उठ के सबसे पहले यही काम करती, अपना मोबाइल चेक करती कि YT का कहीं मेल तो नहीं आया, मेरा चैनल क्या हुआ, उसका एक्सेप्ट किया कि नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और फाइनली मैंने एक गलती भी की थी, आपको मैं वो गलती भी बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने अपना कस्टम URL जो होता है मोनेटाइजेशन वाली जगह पर, आप देखना कस्टम URL होता है, उसको मैंने जो है ऑन नहीं कर रखा था, पता है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने भी नहीं कर रखा हो ऑन तो प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, उससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके चैनल के ऊपर। ये मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी खुद की आप कह सकते हो, मैंने समझा इसे। तो ऐसे सडनली मैंने देखा योगी योगेंद्र सर, आप जानते हो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उन्हीं का वीडियो देखती हूँ, तो उनका मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि कस्टम URL एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट हमारे घर तक पहुंचाता है और बहुत जल्दी पहुंचाने का काम करता है, ये बस वही है, आप वीडियो देख लीजिएगा योगी सर का। और वही मैंने किया अपना कस्टम URL, कल मैंने किया 17 जुलाई को 4 बजे के आसपास मैंने ऑन किया। और फ्रेंड आप यकीन नहीं करोगे, 17 जुलाई के नाइट में मैं सोई और उसके बाद रात को 2:54 में मैंने टाइमिंग वगैरह सारा कुछ देखा, मेरा जो है मेल आ गया था। और मैंने रात को नहीं देखा अपना मेल, मॉर्निंग जब मैं सोती थी तो मुझे फाइनली अपना मेल मिला और मैं इतनी खुश हुई कि आपको पता नहीं। 17 जुलाई को मेरा बर्थडे था, मैं इतनी नर्वस थी, मतलब मैंने अपना बर्थडे कुछ भी नहीं मनाया। 17 जुलाई को मेरा जो बर्थडे था, मैंने हर साल मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ, बहुत अच्छे से मनाते मेरे हस्बैंड, पर इस बार पता नहीं मन मेरा भी उदास था क्या था,
मतलब कुछ तो आईटी का था, कुछ अपनी भी परेशानी होती है, तो ऐसा कुछ था। पर आज आप सोच सकते हो कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे मन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो थैंक्स टू यूट्यूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स का, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, जिसमें से है रमस लाइफ स्टाइल, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे हर वीडियो पर उनका जो है, आप कमेंट देखोगे, मैसेज देखोगे, उन्होंने फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फ्रेंड्स। और जो है मीनू दिया फूड पैराडाइज मीनू, और अनीता जी है टेस्टी ट्विस्ट अनीता जी, इन सब मेरे एकदम खासम खास है, जिन लोगों से भी मैंने ये सारा कुछ छुपाया, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी, बीच में लटकाना नहीं चाहती थी फ्रेंड्स किसी को भी, तो इसीलिए मैंने छुपाया आप लोगों से भी। तो सॉरी दी, माफ़ कर देना अगर आपको बुरा लगेगा, आप लोगों को लगे कि ममता ने कुछ नहीं बताया, तो बस यही था दी कि मैंने इसी कारण नहीं बताया था आप लोगों को कि मैं बीच में नहीं लटकाना चाहती थी, मैं खुद लटकी हुई थी अंदर रिव्यू में, और मैं आप लोग को नहीं लटकाना चाहती थी। और आर्या शायरी आप लोग जानती होंगे ना, आर्य शायरी को उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब इतने बड़े यूट्यूबर हैं फिर भी वो मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे दी बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। दी आपका होगा पॉजिटिव, मुझे बताया मेरे चैनल में व्यूज़ भी नहीं आते, दी लक भी साथ देता है, आपका होगा, ये सभी का कहना था। और आज फाइनली मोनेटाइजेशन मेरा हो गया, और आप सबने बहुत बहुत साथ दिया मेरा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ फ्रेंड्स आपका, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आप देख सकते हो मेरे फेस की स्माइल और सारा कुछ। तो बस फ्रेंड ऐसे ही साथ बनाइए रखिएगा, और आगे सपोर्ट कीजिएगा जरूर, तो बिल्कुल देखिएगा योगी योगेंद्र सर का वीडियो, उन्होंने बताया हुआ सारे कुछ की वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा उनका वीडियो। और क्या बोलूँ फ्रेंड, बस मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसके बाद क्या बोलूँ, चलो ठीक है फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में जो कुछ भी हो, और प्लीज़ देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों से मेरी वीडियो को, जो अभी तक वीडियो मैंने डाले हुए लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए।